से ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बेसिक इंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें मैंने सिक्स इंस्ट्रक्शन को यूज किया था, जिसमें एलडीपी, एलडीएफ, पीएलएस, पीएलएफ, एनपी और पीएन था। वो बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन था जिसमें हम वन साइकिल स्कैन का रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग करोगे तो उसमें कई जगह आपको पीएलएस, पीएलएफ का यूज मिलेगा, जहां से आप समझ सकते हो कि इसका यूज क्यों किया गया। जहां भी इसका यूज किया जाता है वहां वन स्कैन साइकिल का प्रोजेक्ट फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। उसमें ही हमने एक इनवर्स इंस्ट्रक्शन लिखा था, वीडियो बड़ा होने के कारण मैं उसको बता नहीं पाया था, अभी मैं उसको बता रहा हूँ इनवर्स इंस्ट्रक्शन क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अभी हम इनवर्स इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। ये आपको डिस्प्ले पे ही मिल जाएगा इनवर्स इंस्ट्रक्शन, इसको इनवर्स बोलते हैं, INVER, इनवर्स। अच्छा, इनवर्स इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि इसके पहले प्रीवियस रिजल्ट क्या था उसको इनवर्स करके आपको आउटपुट देगा। जैसे कि इसके अगर प्रीवियस कोई मान लो स्विच है, ये हमारा एक स्विच है, ये अगर ऑन है तो इसका इनवर्स हमको इस स्विच का ऑफ मिलेगा। मीन्स आप ऐसे नहीं समझ, थोड़ा सा ऐसे समझ लो आप कि ठीक है, अगर कोई आउटपुट है हमारा इधर, ये ऑन आउटपुट है, इसका इनवर्स हमको आउटपुट ऑफ मिलेगा। अगर आउटपुट आपका ऑफ है तो इसका इनवर्स आप निकालोगे, आउटपुट का इनवर्स ऑन होके मिलेगा। जो भी प्रीवियस, व्हाट इज प्रीवियस रिजल्ट फाइंड विल बी आफ्टर इनवर्स जस्ट अपोजिट, प्रीवियस रिजल्ट के जस्ट उल्टा रिजल्ट आपको इनवर्स से मिलेगा। जैसे अगर आप इधर, आप अगर आप एनसी यूज कर रहे हो, अगर ये एनसी है तो इसका इनवर्स आपको एनओ मिलेगा, एनओ मिल जाएगा। अगर आपने एनसी स्विच किया है, इधर एनसी स्विच यूज किया, उसका इनवर्स एनओ बन जाएगा। और आप अगर एनओ यूज कर रहे हैं तो इसका इनवर्स आपको एनसी मिलेगा। ये होता है प्रीवियस। अगर आउटपुट ऑन है तो ऑफ मिलेगा, ऑफ है आउटपुट तो ऑन मिलेगा। अगर आपने एनसी यूज किया है तो एनसी का इनवर्स एनओ मिल जाएगा, एनओ का इनवर्स एनसी मिल जाएगा। मींस अगर वन है तो इनवर्स उसका जीरो मिलेगा, जीरो का इनवर्स आपको वन मिलेगा। जैसे कि मैंने बेसिक लेक्चर आपको पढ़ाया था, बेसिक लेक्चर में मैं आपको एक पीडीएफ दिया था जिसमें 10 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, जिसमें नॉट गेट से रिलेटेड था, जिसको एनओ और एनसी को यूज करके उस प्रोग्राम को सॉल्व करना था। काफी लोगों ने उसको सॉल्व किया था और जो लोग नहीं सॉल्व किए थे मैंने उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, उस सॉल्यूशन को कृपया आप देख लें। उस क्वेश्चन को मैंने एनओ और एनसी की सहायता से सॉल्व किया था। अभी हम इनवर्स इंस्ट्रक्शन का यूज करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मेरा पहले क्वेश्चन नंबर, लेक्चर नंबर 11 से हमने इंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, तो अब ये लेक्चर नंबर 11 का एक पार्ट छूट गया था जो इनवर्स इंस्ट्रक्शन, उसका हम यूज करेंगे। जिसमें इससे पहले हमने उस क्वेश्चन नंबर 6 में दिया था कि मेक ए लॉजिक यूजिंग एनओ एनसी पुश बटन इन अ सच वे एनसी प्रेस आउटपुट ऑफ ग्लो। जैसे क्वेश्चन का ये मतलब था कि आपके पास एक एनसी स्विच है, उसको प्रेस करने से आउटपुट आपका ग्लो हो जाना चाहिए। जबकि एनसी स्विच का यूज हम जानते हैं, एनसी का यूज स्टॉप के लिए करते हैं, स्टॉप बटन इसे बोलते हैं या फिर ऑफ बटन भी इसे बोलते हैं, और एनओ का यूज स्टार्ट बटन बोलते हैं या फिर इसे ऑन बटन बोलते हैं। जैसे कि आप देख लो, एक प्रोग्राम है, आरएलसी में ही बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये एनओ स्विच है हमारा और ये हमारा आउटपुट वाई जीरो मान लेते हैं। अब क्या करोगे, जैसे ही एनओ को प्रेस करोगे आउटपुट आपका ग्लो हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हो। ठीक है, अगर आउटपुट हमारा ग्लो है तो हम अगर स्टॉप करना हो तो क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे इसको एक्सटेंड कर देता हूं। यहां पे मैं एक एनसी स्विच यूज कर लेता हूं और आउटपुट को यहां पे ऑन कर देता हूं y0 और y0 को ही होल्डिंग दे देता हूं ताकि ये होल्ड रहे, ऑफ करने में आपको सुविधा हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे ही एनओ इस पुश बटन को प्रेस करोगे आउटपुट हमारा ऑन हो गया और आउटपुट की होल्डिंग में, तो एनओ को आपने प्रेस किया तो एनओ को इसीलिए हम स्टार्ट बटन या फिर ऑन बटन बोलते हैं, जैसे कि मैंने बेसिक लेक्चर में ये सब बता रखा है। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो कृपया बेसिक लेक्चर में जाएं, उसको आप देखें, समझ में आ जाएगा। और इसको जैसे ही एनसी इस बटन को प्रेस करेंगे ये स्लाइड होके नीचे आ जाएगा,
ये एनसी बटन पुश बटन होता है, एक स्पेशल बटन होता है, जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल में आपको दिखा रखा है इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। ये स्लाइड होकर यहां तक आ जाएगा, ये हट जाएगा, यहां आ जाएगा, तो क्या होगा, यहां से कनेक्शन टूट जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा और आउटपुट हमारा ऑफ हो जाएगा। इसीलिए एनसी को हम स्टॉप बटन बोलते हैं या फिर ऑफ बटन बोलते हैं। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन मीन्स इसको समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से कि एनओ और एनसी को स्टार्ट और स्टॉप बटन क्यों बोलते हैं। हम प्रोग्राम पे आते हैं, हमारे पास एक प्रोग्राम है एनसी को, एनसी एनसी बटन है आपके पास, एनसी पुश बटन है, इसको प्रेस करने से लाइट लाइट या फिर बल्ब या फिर फैन फैन को प्रेस करने से लाइट हमारा ऑन हो जाना चाहिए था, जिसको मैंने एनओ और एनसी की हेल्प से बनाया था, उसको आप देख लीजिए। अभी हम इंस्ट्रक्शन से बनाएंगे, ठीक है। इसने एनसी बटन बोला, हम एनसी बटन यहां पे यूज कर लेते हैं, एनसी इसका एड्रेसिंग X0 हमने दे दिया और एनसी से एक आउटपुट हमारा Y0 ऑन कर दिया, जिसको मैं Y0 का कमेंट में फैन लिख देता हूं ताकि ये समझ में आए कि ये फैन है। अब देखो ये तो सीधे सीधे एनसी जैसे ही प्रोग्राम रन करेंगे और ये हमारा फैन ऑन हो जाएगा, तो हमको क्या एनसी को प्रेस करने पे ये ऑन हो, तो हम यहाँ पे इनवर्स इंस्ट्रक्शन यूज कर देंगे। ये इनवर्स का है। अब देखिए क्या होगा, इसको समझिए, ये अभी क्या है हमारा एनसी है, जैसे कि मैंने इनवर्स इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया था, ये एनसी है तो इसका आउट इनवर्स हमको क्या मिलेगा, यहां तक एनसी है तो इनवर्स इसका क्या बनेगा, एनओ मिलेगा, एनओ मिलेगा, एनओ मीन्स ओपन मिलेगा आपको इस टाइप का, तो ये आउटपुट क्या होगा, फर्स्ट में ऑफ होगा। ये क्या होगा, एनसी है तो इसका आउटपुट इनवर्स क्या मिलेगा, एनओ मिलेगा, एनओ मीन्स ओपन, ओपन है कनेक्शन ये, तो इस समय हमारा आउटपुट ऑफ मिलेगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे एनसी से, एनसी को अगर प्रेस करोगे तो इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनसी से ये एनओ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एनओ का इनवर्स आपको क्या मिलेगा, एनसी मिलेगा, एनसी मीन्स क्लोज सर्किट, इस समय आउटपुट आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम था, जैसे आप इस प्रोग्राम को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, आप उसमें देखिएगा ये प्रोग्राम सेम टू सेम कैसे एनसी को प्रेस करने से आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, इस प्रोग्राम को आप खुद ही अपने लैपी में कीजिए, WPL सॉफ्टवेयर में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा कि एनसी को प्रेस करने से आउटपुट आपका ऑन कैसे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 था कि एनओ को प्रेस करने से आउटपुट हमारा ऑफ हो जाना चाहिए था, एनओ को प्रेस करने से, यहाँ पे एनओ को प्रेस करने से आउटपुट या फिर फैन हमारा ऑफ हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो अब इसको हम बना लेते हैं, एनओ को प्रेस करने से आउटपुट हमारा ऑफ हो जाना चाहिए, जबकि जनरली हम सीधे समझते हैं कि एनओ से हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको अभी तक पता है कि एनओ को हम स्टार्ट बटन या फिर ऑन बटन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, एनओ को प्रेस करने से जो हमारा आउटपुट ग्लो था उसको ऑफ करना, जैसे फैन था, तो एनओ स्विच बोला, एनओ हम यूज कर लेंगे, यहाँ पे X0 एनओ यूज कर ले, एनओ का इनवर्स हमको एनसी मिल जाएगा और यहाँ पे Y0 को मैं फैन बोल देता हूँ, फैन कमेंट कर देता हूँ कि ये हमारा आउटपुट जो फैन है। अब देखो इनवर्स निकाल दिया, एनओ है तो एनसी बनेगा, एनसी मीन्स क्लोज, ये आउटपुट हमारा ऑन रहेगा, आउटपुट क्या होगा हमारा एनसी है, एनओ है तो एनओ का इनवर्स क्या है, अच्छा इनवर्स से का प्रीवियस जो रिजल्ट होता है, इनवर्स से पहले का जो रिजल्ट होता है उसको इनवर्स करके देता है, तो इसके प्रीवियस रिजल्ट क्या है, एनओ है, एनओ है कि नहीं, एनओ ही स्विच नल लगाए हैं, एनओ को ये एनसी में कन्वर्ट करके देगा, ये एनसी में कन्वर्ट कर देगा, एनसी मीन्स ये क्लोज सर्किट है, आउटपुट हमारा फर्स्ट टाइम ऑन होगा। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे तो एनओ से इस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, एनसी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एनसी का इनवर्स क्या मिल जाएगा आपको, एनओ मिल जाएगा, ये हमारा सेकेंड टाइम में ऑफ हो जाएगा। अब विदाउट प्रेस किया, जैसे आपने प्रेस नहीं किया तो फर्स्ट टाइम में जैसे ये प्रोग्राम रन कराओगे तो ये Y0 ऑन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि एनओ यूज किया है, एनओ का इनवर्स एनसी दे देगा और आउटपुट हमारा ऑन हो जाएगा, इसके लिए एनसी मीन्स क्लोज सर्किट ऑन हो जाएगा। जैसे ही आप इसको एनसी को प्रेस करोगे, एनओ से एनसी में कन्वर्ट होगा, तो एनसी का इनवर्स आपको एनओ मिल जाएगा, एनओ मीन्स ओपन सर्किट, ओपन मीन्स आउटपुट आपका ऑफ हो जाएगा। ये छोटा सा लेक्चर था, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर का एक पार्ट था जो छूट गया था, जिसको मैंने अभी कवर कर दिया है। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।